इस वक्त मोहतरम मौलाना कैसर साहब बिरला ने ऐसा माहौल बना दिया कि आने वाले शायरों के लिए ये लम्हे फिर दिया होगा कि वो कहां से अपनी गुफ्तगू का आगाज करें। बेहतरीन तकरीर पेश कर रहे थे और जो हमारे जहन तक पहुंच गए। अधिकारी मोहतरम आज जिसका जश्न है वो नहजुल बलागा में इरशाद फरमाता है औरंगी में मारफत हूं अपने नौजवानों को जरूर कह रहा हूँ कि वो दीवारों का सहारा न ले बल्कि वो खुद मिलत का सहारा है, वो दीवार का सहारा न ले। मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ आगे बशीरियां नहीं कोरोना उनको मिल रहा है जो अली का जिक्र नहीं करते। जो अली का जिक्र करते हैं वो इज्तिमाइयत में भी दुनिया की हर बला से महफूज रहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी साजिश है कि दुनिया आने वाले 8 सालों के अंदर 12 मिलियन होने वाली है और ये दुनिया की सबसे बड़ी साजिश है कि जो इस तरह की बीमारियां पैदा हो रही है और हमारे मरा गए इकराम ने इस पर सवाल भी उठाया है। आयतुल्लाह खामनाई साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये बीमारी नहीं है बल्कि ये बायोलॉजिकल वेपन बनाया जा रहा है जो दुनिया में फैलाया जा रहा है ताकि लोग अली न बैठ सके लोग मरी जाए। लेकिन हम उसके मानने वाले हैं कि जिसके दर पर बीमारी करीब नहीं आती हम उसी के आसाने पर बैठे इन जश्न में शिरकत करके बताते हैं कि हम और हम तक बीमारी आने वाली नहीं है। अजीबाने वाला मौलाना मौसूम ने बहुत कुछ कहने का मकसद लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं कि जश्न कितना अच्छा हो कितना बड़ा हो कितना छोटा हो लेकिन जो मौलाना मौसूम ने कहा उसमें बनावट नहीं होनी चाहिए पसंद नहीं होनी चाहिए। आज दुनिया हमसे ये पूछती है कि ये कब मनाया जाता है ये खुशियां मनाई जाती है आप इसमें शामिल होते हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम सिर्फ शामिल नहीं होते बल्कि इसको अमली तौर पर अपनी जिंदगी को उतारते हैं। लेकिन ये जश्न बेकार है ये सिर्फ जिक्र बेकार है। अगर हम अली के उन तमाम अकवाल को पहले बैठ की तमाम मार्फत को अमली तौर पर अपनी जिंदगी में न उतारे आप कहेंगे हम अली की जिंदगी को अमली तौर पर कैसे उतार सकते हैं। तो हम कहेंगे कि आप अमी की जिंदगी को देखिए सलमान की जिंदगी को देखिए आप तकलीफ कर सकते हैं कि हम अली मकबर की जिंदगी को नहीं देख सकते। तो मैं एक मिसाल पेश करता हूं कि अगर अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाना है तो कम से कम शहीद कासिम सुलेमानी की तरह अपनी जिंदगी बनाओ जिसने अपनी जिंदगी के जरिए पैगाम दिया कि मैं अली का चाहने वाला हूं जिसकी जिंदगी भी अली ने बताए हुए रास्ते पर चल रही है जिसकी मौत भी अली ने बताए हुए रास्ते पर चल रही है। आइए उसी मौलाना मुत्तकियान की बाहबा में ये तमाम नजराने अकीदत पेश किए जाएंगे। मैं बस शायर से पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूं मैं उसके नाम से शुरू करता हूं जो रहमान भी है रहीम भी है खालिक मौत भी है मालिक जिंदगी भी है जो जिसमें जिस्मानियत से मुमल्ला है वह बहुत का शरीक है जो नजरों से ओझल है रगे बर्तन से कलीम पर है जो सबके को आफ्ताब कमाने की सलाहियत रखता है और आफ्ताब को पलटाने वाले का खालिक है। मैं उसके नाम से करता हूं इब्तदाए ज़मान जमीन में कौन से उगाता है जो जमीन और जमान शायर लह अभी से तराशता है वजूद वो बारे आप कलम से उजालता है बदन वो कपड़े उम्र के दिलो जा वो दिया मेरा उसी के लिए उसे हासिल मुझे नदाए सफल और झुका मैं सामने उसके तो सुखुरु हुआ न शर्मसार है सजदा न है जमीन में शिकन और न वे थे खुद वो बख्शे कभी बफैज रसूल कभी बना में अली दे हो मुझको रिश्ते सुखन उसी बाहका से नदाए सुखन दौलत में सुखन रिश्ते सुखन लेकर आज की इस महफिल का आवाज कर रहा हूं कि हमारा तरीकेकार है कि हम जब आने ताला के बारंबार नाम के बाप का नजराना पेश करते हैं नाम यानी तहसीब रसूल नाम यानी फजाए रसूल
जनाब अबू तालिब से इजाजत मांगो, बड़ी इबादत से इजाजत लेकर ये मिसरे पर रहा है, मां के बाप के सरकार मदीना से जिसे प्यार नहीं है, फिरदौस में जाने का वो हकदार नहीं है। तहजीब से आओ, यहां तहजीब से बैठो, दरगाहे मोहम्मद है ये दरबार नहीं है, दरगाहे मोहम्मद है ये दरबार नहीं है। आइए मुसलमानों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं, अपने पहले शायर से मैं मुतमिसों की याद है, मोहतरम ताई चौधरी साहब से नारे सलवा सुना है। पेश करता हूँ अनिल भाई, चार नारे पेश करता हूँ। मेरे सरकार का दीवाना अनोखा है, निराला है, मेरे सरकार का दीवाना अनोखा है, निराला है, मेरे सरकार का रुतबा अनोखा है, निराला है। ये मोती ढूंढते हमने समंदर से निकाला है, ये मोती ढूंढते हमने समंदर से निकाला है, कसम अल्लाह की रखते हैं जो नजरे करम हम पर मोहम्मद की निगाह होते कोई गुनाह ताला है, मोहम्मद की निगाह। ये सलात शरण का मैं चार नारे और पेश करता हूँ, हाजिर करता हूँ। देखिए भाई, के सारी दुनिया अनिल भाई, सारी दुनिया कह रही है हमको काबा चाहिए, हमको काबा चाहिए, सारी दुनिया कह हमको काबा चाहिए, और काबा कह रहा है सजना चाहिए, शहर का सजना चाहिए, आपको कुर्बान हो होना चाहिए, कुल की था विषय मानो कुर्बान होना चाहिए। इबादतों की यकीन यही कहानी है, 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 अली को छोड़ के बेकार जिंदगानी है, अली को छोड़ के बेकार जिंदगानी है, हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं दुनिया से, हुसैन इब्ने अली कह रहे हैं दुनिया से, मेरे सदीर के सदके में दाना पानी है, मेरे सदीर के सदके में दाना पानी है।
कहाँ छिपाएंगे दुश्मन अली कहूँ अपना, कहाँ छिपाएंगे दुश्मन अली के मुंह अपना, कहाँ छिपाएंगे दुश्मन अली के मुंह अपना, अली के दार जमाने पे हो तुम्हारा अली है, अली के दार जमाने पे हो तुम्हारा अली है। और मक्का अपनी माँ बहनों की जानी से एक मक्का पेश करता हूँ, देखेंगे। मैं कर रहा हूँ जो मदह तुला वो है, सलवात पेश करता हूँ। मैं कर रहा हूँ जो मदह तुला वो है तारीफ, मैं कर रहा हूँ जो मदह तुला वो है तारीफ, मैं कर रहा हूँ जो मदह तुला वो है तारीफ, ये मेरी माँ की शराफत की निशानी है, ये मेरी माँ की शराफत निशानी है, ये मेरी माँ की शराफत की निशानी है। चार नजर और एक सलवात पेश करता हूँ। ये दुनिया और ये दौलत का मजा अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया और दौलत का मजा अच्छा नहीं लगता, दौलत का मजा अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया और दौलत का मजा अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ इश्क है दर के सिवा अच्छा नहीं लगता, अदा के परश पर आते हैं क्यों उन्हें परश अदा अच्छा नहीं लगता, अदा के क्यों उन्हें परश अदा अच्छा नहीं लगता। ये मतलब दुनिया से हासिल करता हूँ, हमारे जौनपुर में एक मिश्रा हुआ था, काबा है कि दम से काबा है, काबा है फैला है, गुलफिदा में नूर फैला है, गुलफिदा में नूर फैला है, आज काबे में कौन आया है, आज काबे में नूर पहला है, आज काबे में कौन आया है, सोच में पड़ गए जहां वाले, सोच में पड़ गए जहां वाले, है खुदा या खुदा का बंदा है, है खुदा या खुदा का बंदा है, आत्मा वाले आओ महफिल में, आत्मा वाले आओ महफिल में, यहाँ मौला अली का चर्चा है, यहाँ मौला अली का चर्चा है, यहाँ मौला अली का चर्चा, यह मौला अली का चर्चा है।
बिना ली के बगैर मुमकिन है तदबीर पेश करो बिना ली के बगैर मुमकिन है बिना ली के बगैर मुमकिन है काबा है दर के दम से काला है काबा है दर के दम से काला है मक्का के शहरों उसका पढ़ता है जश्न में ताले उसका पढ़ता है जश्न में ताले जो खुदा ने मुझे नवाजा